हेलो दोस्तों, मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास होगी छत्तीसगढ़ सामान्यगण, जो कि CGPSC CGVAPAM में कई बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। और 10 दिनों का क्रैश कोर्स चल रहा है, कल हमने देखा है पार्ट वन वीडियो और आज का है पार्ट टू वीडियो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छात्र अधीक्षक के टेस्ट सीरीज चल रहा है 50 MCQ का। डेली आपको 50 MCQ कराया जाएगा, टोटल यानी कि 500 MCQ होगा। 10 दिनों का क्रैश कोर्स चल रहा है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के, यानी कि आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तब तक मैं वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आज आपकी सेकेंड क्लास है, 50 MCQ देखेंगे टोटल आपका, यानी कि 500 MCQ, यानी कि 10 दिनों को क्रैश कोर्स चल रहा है। सेकंड क्लास है, ठीक है, यह हमारा सेकंड क्लास है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा को संस्कृति का प्रभाव दिया गया। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा को प्रभाव दिया गया, तो आपका उड़िया हो जाएगा, ठीक है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। जितने भी वीडियो को लाइक करेंगे उसी के पास नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। यह सेकंड क्लास है दोस्तों। पहला क्लास डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। टोटल आपका होगा आज का 50 MCQ रहेगा, ठीक है, 50 MCQ। और पहला वीडियो हमने करा चुके हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है 10 दिनों का, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ यानी पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखिए। बाघ जो है पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, बघनीन होगा। क्या होगा, बघनीन। देखिए जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर भर्ती, साथ ही ADO की तैयारी कर रहे हैं, या प्यून भर्ती जिसका एग्जाम कब है, 25 सितंबर को, ठीक है, प्यून भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट क्लासेस है, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये जितने भी PSC व्यापम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। पन्ही का अर्थ क्या होता है, देखिए पन्ही का अर्थ क्या होता है, देखिए CGVAPAM 2016 में पूछा गया है, ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। 10 दिनों का क्रैश कोर्स चल रहा है, वहाँ से आपको टोटल 500 MCQ कराया जाएगा, ठीक है। डेली आपको 50 MCQ कराया जा रहा है, कितना करा रहा है, 50 MCQ करा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। अगर एक बार में याद नहीं होता तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। पन्ही का अर्थ होता है क्या होता है, पन्ही का अर्थ क्या होता है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। पन्ही का अर्थ क्या होता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। पन्ही का जो अर्थ है, देखिए पन्ही का अर्थ होता है क्या होता है, पन्ही का अर्थ चप्पल, चप्पल, जूता, ठीक है, सैंडल, ये बहुत सारा होता है। पन्ही मतलब पहने के ना, पैर में पहनते, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, जूता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन CGPSC प्री और CGPSC, देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एग्जाम में पूछे ही गए हैं। देखिए जो ये CGPSC व्यापम में पूछा गया है, प्री मेंस में पूछा गया है, ठीक है। पन्ही का अर्थ क्या होता है, जूता होता है, ठीक है। रोमांचिक होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है, रोमांचिक होना छत्तीसगढ़ी शब्द के लिए क्या होता है, तो इनमें से क्या होगा, जल्दी बताइए, इनमें से ये होगा, रोमांचिक होना का मतलब होता है गुरगुराना, ठीक है। क्या होता है, गुरगुराना, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा से शब्द पूछा गया है। जितने में क्वेश्चन करा रहा हूँ हमको, ये CGPSC और व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, हाथी का स्त्रीलिंग होगा, देखिए CGVAPAM के क्षेत्र रक्षक 2021 में, साथ ही CGPSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी ये सब पूछा गया है ये व्यापम के है, व्यापम और PSC से है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। मैं देखिए 7 से 8 सालों का प्रीवियस वर्ष का आपको क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, वहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, हाथी का स्त्रीलिंग होगा, तो जो हाथी है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, जल्दी बताइए, हाथी का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन है हाथी, ऑप्शन बी हाथिनी, ऑप्शन सी हथनीन, या ऑप्शन डी हथिनी, या ऑप्शन ई हाथीन। तो इसका ऑप्शन कौन जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कौन जाएगा, हथनीन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा जाएगा, हथनीन, हाथी का स्त्रीलिंग हथनीन होगा। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस और उसका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। पढ़ियाइन का पुल्लिंग शब्द क्या है, जो पढ़ियाइन होता है, देखिए CGPSC 2016 में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लासेस करने के लिए, ठीक है। कल के वीडियो मैं करा चुका हूँ 50 MCQ, और कल से ही हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास स्टार्ट हो चुका है। ये सेकंड क्लास है आपका, ठीक है। पहला क्लास डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके ज्वाइन कर सकते हैं अगर पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। सीता, सीता, देखिए इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा बताइए, पांडव कहाँ से हो जाएगा यार, पर्यायिनी पूछा गया है ना, पर्यायिनी का पुल्लिंग शब्द क्या होता है। अरे कुछ भी कमेंट मत किया करो ना, ठीक है।
सीरियसली लो। पर्यायिन का पुल्लिंग शब्द क्या है? तो पर्यायिन का पुल्लिंग शब्द ये है, देखिए पांडे, पांडे जो है पर्यायिन का पुल्लिंग शब्द है, क्या है? पांडे है जो। हाँ बिल्कुल गुड, बाकी लोगों को सही आ रहा है। ठीक है, डेली क्लासेस कराया जा रहा है। ठीक है, डेली क्लासेस कराया जाएगा। पर्यायिन का पुल्लिंग शब्द पांडे है। देखिए अंग्रह बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंग्रह बरसना, ये देखिए अंग्रह बरसना ये मुहावरे का अर्थ क्या? छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है आपका। हाँ टोटल 500 MCQ कराएंगे। ठीक है, टोटल 10 दिनों का क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, जो लोग नए हैं तो वीडियो में ज्वाइन कर लीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? अंग्रह बरसना का क्या होता है जल्दी बताइए। 50 MCQ कराएंगे। ठीक है, आज का 50 MCQ रहेगा। ठीक है, अंगना बरसना का होता है अब्बड़ गुस्सा करना, ये बिल्कुल गलत है। अब्बड़ बरसना ये भी गलत है, आगी बरसना ये भी गलत है, आगी के बरसा होना ये भी गलत है। तो ऑप्शन ई दिख रहा है, अब्बड़ घाम करना। देखिए अंगना बरसना का मतलब होता है अब्बड़ घाम करना, या बहुत बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा व्याख्या के तौर पर बताया गया हूँ कि अंगना बरसना मुहरे का अर्थ होता है अब्बड़ घाम करना होता है, छत्तीसगढ़ी भाषा से। ठीक है, और देखिए लज्जित होना ये तो कई बार पूछा गया है व्यापम PSC में, लज्जित होना व्यापम में कई बार पूछा गया प्रीवियस वर्ष में। तो देखिए यहाँ पर CGPSC प्री 2017 और 2018 में पूछा गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, यहाँ पर देखिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर और ADO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लासेस होगी। ठीक है, जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मैं डेली आपको 50 MCQ कराने जा रहा हूँ। ठीक है, लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मोहरा होता है क्या होता है? लज्जित होना मुड़ी गड़ियाना। लज्जित होना का क्या होता है? मुड़ी गड़ियाना। ठीक है, लज्जित होना क्या होता है? मुड़ी गड़ियाना होता है। ठीक है, मुड़ी गड़ियाना होता है छत्तीसगढ़ी भाषा। ये बहुत सारे पर्यायवाची शब्द मुहावरा से एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार करा रहा हूँ। देखिए लज्जित होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा मुड़ी गड़ियाना होता है। अब छत्तीसगढ़ी मुहावरा में कथरी ओढ़े घी खाए का अर्थ क्या है? देखिए कथरी ओढ़े घी खाए का अर्थ क्या होता है? CGPSC में पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, इंजीनियरिंग में पूछा गया 2016 में। ठीक है, जितने भी, हाँ जितने भी क्वेश्चन हैं पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, ज्वाइन करके रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए, इसका अर्थ क्या होता है कमेंट में जरूर बताएं, जल्दी बताएं जल्दी। बहुत लोगों का आंसर आ गया सी आ रहा है। देखिए बहुत लोगों का आंसर सी आ रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का अर्थ क्या होता है? कथरी ओढ़ना ये बिल्कुल गलत है, घी खाना ये बिल्कुल गलत है, संपन्नता छिपाना ये बिल्कुल सही है। तो बहुत लोगों का सही हो रहा है, 7 से 8 लोगों का सही हो चुका है। ठीक है, 7 से 8 लोगों का सही हो रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा में कथरी ओढ़े घी खाए इसका अर्थ होता है संपन्न छिपाना। ठीक है, बहुत लोगों का सही हो रहा है, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। चाउर छींचना, ये चाउर छींचना क्या होता है बताइए जल्दी। ये चाउर छींचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चाउर छींचना मतलब जादू करना। ठीक है, जादू करना क्या होता है? जादू करना। ठीक है, जादू करना होता है, इसका मतलब क्या होता है? जादू करना होता है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल, 7 से 8 लोगों का सही हो रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह सुरता के चंदन के रचनाकार कौन है? ये सुरता के चंदन है, काव्य संग्रह में सुरता के चंदन के रचनाकार कौन है जल्दी बताइए। हरी ठाकुर जी हैं। ठीक है, हरी ठाकुर जी हैं। ठीक है, कितने लोग जुड़ चुके हैं ऑनलाइन क्लास में? कितने लोग जुड़ चुके हैं? बेस्ट क्लासेस है। अच्छा 45 से 46 लोग जुड़ चुके हैं अभी। ठीक है, 45 से 46 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक, क्लास करते रहिएगा। ठीक है, क्लास करते रहिएगा। छत्तीसगढ़ी में कठियाना शब्द में कौन सा तद्धित पर्याय है? छत्तीसगढ़ी में कठियाना, देखिए कठियाना याना। ठीक है, तद्धित प्रत्यय, तद्धित का मतलब कठियाना, कठियाना ये कौन सा दिख रहा है आपसे? ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, कठियाना शब्द में तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास में कका के घर के लेखक कौन है? देखिए जो कका के लेखक हैं, देखिए आप लोग के कका नहीं भाई, छत्तीसगढ़ी उपन्यास में है ना, रामनाथ साहू जी हैं। कौन है? रामनाथ साहू जी। देखिए बहुत लोगों का आंसर ए आ रहा है, 20 से 25 लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, 20 से 25 लोगों का आंसर रामनाथ साहू आ रहा है। ठीक है, कका के घर के लेखक रामनाथ साहू जी हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हथफोड़वा छत्तीसगढ़ी शब्द है, जो हथफोड़वा होता है कौन सा शब्द है? हथफोड़वा एक पक्षी, बी एक खिलौना, धारदार हथियार, चावल का एक व्यंजन। तो ऑप्शन डी हो जा रहा है। ठीक, देखिए 30 से 35 लोगों का आंसर आ रहा है, 30 से 35 लोगों का आंसर आ रहा है चावल का एक व्यंजन। देखिए सीता का गलत हो गया। ठीक है, सीता गलत हो रहा है, ये क्या हो? हथफोड़वा का अर्थ मतलब क्या होता है? ये नहीं होगा ना, ये तो होगा ही नहीं। हथफोड़वा का मतलब चावल का एक व्यंजन होता है, छत्तीसगढ़ी शब्द में उसको बोलते हैं। ठीक है, राहुल का भी गलत हो गया, मीना का भी गलत हो गया, योगेश का भी गलत है। ठीक,
हाँ, गोलू, मीनू, सीना, 30 से 35 लोगों को सही आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थोड़ा चावल का एक व्यंजन होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक भाषा, यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा में जी के लोक गाथा फुलभाषण में किसकी कथा, जो फुलभाषण होता है ना, ओ कौन सी कथा है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिएगा। सीता और हनुमान की कहाँ से आएगा यार। देखिए, फुलभाषण में जो किसकी कथा है, छत्तीसगढ़ी सीता और लक्ष्मण की होता है ना, फुलभाषण में लोक गाथा जो हुई है फुलभाषण किसकी कथा है, सीता और लक्ष्मण की है। किसकी है? सीता और लक्ष्मण की, ठीक है, लक्ष्मण की। किसकी है? लक्ष्मण, सीता और लक्ष्मण की है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फुलभाषण की। छत्तीसगढ़ी शब्द तो खास का हिंदी अनुवाद क्या है? खास का मतलब होता है विशिष्ट, ठीक है, खास का मतलब होता है विशिष्ट। आपके ऑप्शन सी में दिख रहा है। हाँ, बहुत लोगों को सही हो रहा है। ठीक है, हिंदी शब्द में संयोजन का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद क्या होगा? संयोजन का मतलब होता है जोरैया। ठीक, डायरेक्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब माना जाता है? छत्तीसगढ़ का जो प्रारंभिक लिखित है 1703 में, 1703 ईस्वी में किया गया था। कब से माना गया? 1703 में। ठीक है, घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? घोड़ा के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द है, जल्दी बताइए, घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? घोड़ा के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द घोड़वा आता है, ठीक है, घोड़वा, घोड़वा, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ी शब्द हम क्या करें, ये प्यून के लिए, जो प्यून की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बेस्ट क्लासेस होगी। प्यून में कितना नंबर का पूछा जाए? छत्तीसगढ़ी भाषा से 10 नंबर से 15 नंबर पूछा जाएगा शायद, 10 से 15 नंबर छत्तीसगढ़ी भाषा से है। ठीक है, और सामान्य ज्ञान की बात करें तो 40 से 50 नंबर छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से, और जो लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 20 नंबर सामान्य ज्ञान से और 20 नंबर करंट अफेयर से है। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक की तैयारी के लिए, ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द घोड़वा होता है। क्या होता है? घोड़वा, ये वाला नहीं, घोड़वा, ये घोड़वा, ये बिंदु वाला नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आपको घोड़ा के लिए शब्द घोड़वा है, तो होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? होशियार जो होता है ना, छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है, जल्दी बताइए। होशियार के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द होता है, ये होशियार है, उसके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होशियार होता है। होशियार क्या होता है? हूँ सी यार, ठीक है, क्या होता है? होशियार होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जंतर का क्या अर्थ है? जंतर का अर्थ क्या होता है? जंतर मंतर जादू टोना वाला चलता है ना, वो क्या है? जंतर का अर्थ क्या है, जल्दी बताइए। जंतर का अर्थ है, जंतर का मतलब यंत्र होता है, एक यंत्र होता है। क्या होता है? एक यंत्र होता है। कोष शब्द का कौन सा अर्थ प्रकट करता है? जो कोष शब्द है कौन सा अर्थ प्रकट करता है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिएगा ना, जल्दी बताइए। देखिए, जो कोष है, कोष का मतलब होता है दूरी नापते हैं, ठीक है, दूरी नापते हैं, दूरी मापने का जो होता है ना, दूरी मापते हैं, ठीक है, दूरी मापते हैं, दूरी मापने का होता है। देखिए, तो ऑप्शन कौन से में दिख रहा है? कोष, कोसे का कपड़ा, बिल्कुल गलत। कांस का बर्तन, ये भी बिल्कुल गलत, ये भी गलत। दूरी का माप, ये देखिए, दूरी का माप, कोस का शब्द होता है दूरी का माप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एबीओ, देखिए जो लोग एबीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खासतौर पर 2014 में पूछा गया, 13-14 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ी शब्द तीतरा का निम्न में से क्या अर्थ है? जो तीतरा होता है, ठीक है, तीतरा क्या है? देखिए, अब तीतरा ये एग्जाम में पूछता है, तीतरा का मतलब क्या है? देखिए, तीतरा एक क्या, छत्तीसगढ़ी अर्थ क्या होता है तीतरा का? तीन नदियों के मिलने का स्थान, बिल्कुल गलत। तीन लड़कियों के बाद का जन्मा पुत्र, है बिल्कुल सही। देखिए, तीन लड़कियों के बाद जो जन्मता है ना, वो पुत्र होता है तीतरा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? कैसे होगा? देखिए, तीन लड़के मान लो, देखिए, एक दो तीन, ठीक है, ये तीन हो गया, एक दो और तीन। जब तीन लड़की के बाद एक जन्म होता है पुत्र का, एक पुत्र का जन्म होता है, ठीक है, तीन लड़की के बाद एक पुत्र का जन्म होता है, उसको तीतरा बोलते हैं। ठीक है, तीन गांवों की पंचायत कैसे बोलेंगे? तीतरा का मतलब कहाँ से ये होगा? ये तो होगा ही नहीं, ये होगा, ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ी में कुसियार क्या है? छत्तीसगढ़ी में कुसियार का मतलब, देखिए, जो व्यापम 2028, सॉरी, ये 18 है ना, ये 18 है, ठीक, 2018 में पूछा गया है ये वाला। 28 कहाँ से आ जाएगा? अभी तो लगा ही नहीं है 28, अभी 2022 चल रहा है, क्वेश्चन मिस्टेक है। छत्तीसगढ़ में कुसियार क्या है? कुसियार का मतलब होता है गन्ना, आप सभी को पता होगा कुसियार का मतलब गन्ना होता है ना। गन्ना कब खाया जाता है? गन्ना त्योहार कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, कमेंट में बताइए इसको, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। गन्ना त्योहार कब मनाया जाता है? ये जेठावनी होता है ना, क्या बोलते हैं,
हाँ वही है, ठीक है। ये भी पूछा गया एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब एग्जाम में पूछा गया है। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते जाएंगे, टाइम हो रहा है, ठीक है। सबसे बड़े मेंढक को क्या कहते हैं? भिंडोल कहते हैं। सबसे बड़े मेंढक को भिंडोल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब प्रीवियस वर्ष के क्वेश्चन पे। खटमल को क्या कहते हैं? खटमल का मतलब होता है ये होता है, ठीक है, देना। खटमल का मतलब होता है देना, ठीक है। इसके बाद देखें पीएससी में भी पूछा कि जितने भी को ढेगुना कहा जाता है आयोग ने उत्तर देना लिया है, ठीक है। उसके बाद निम्न में कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है? दिशा का नाम नहीं है यहाँ तक उक्ति, कमारी, बुढ़ती और भंडार, जो कौन सा दिशा का नाम नहीं है? तो कमारी है। देखिए उक्ति ये तो भी है, बुढ़ती है, भंडार है, लेकिन कमारी नहीं है, तो दिशा का नाम नहीं है। तो ये सीजीपीएससी सीएमओ में पूछा गया है, ठीक है। सीजीपीएससी सीएमओ 2019 में पूछा गया है, कमारी आएगा इसका आंसर। छत्तीसगढ़ी में पूर्व को क्या बोलते हैं? देखिए इसको नोट कीजिएगा, छत्तीसगढ़ी में पूर्व दिशा को उक्ति, पश्चिम को चुड़ती और उत्तर को भंडार तथा दक्षिण को रक्षहू कहा जाता है, ठीक है। पपाय है ये। मैं जा रहा रही हूँ का सही छत्तीसगढ़ी रूप क्या है? सी जी व्यापम क्षेत्र रक्षक में 2021 में पूछा गया, जो भी हाल ही में जो एग्जाम में हुआ है वन रक्षक का, उसमें पूछा गया है प्रश्न है, ठीक है। मैं जा रहा या रही हूँ तो छत्तीसगढ़ी रूप में क्या कहते हैं? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। देखिए मैं हाँ जात हूँ, ठीक है, मैं हाँ जात हूँ, ये देखिए जा रही जा रही हूँ, मैं हाँ जात हूँ, पीएससी सीएसटी में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए सूचक संबोधन कीजिए, छत्तीसगढ़ में जो स्त्रियों के लिए होता है सूचक संबोधन करें, क्या आएगा इसका? जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या आएगा? जल्दी बताइए इसका आंसर होगा डी हो जाएगा, गोई। गोई गोई को कहते हैं उसको, छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए किसने सूचक शब्द होता है? गोई, क्या होता है? गोई, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये बहुत सारा है छत्तीसगढ़ी, हंसी मजाक हो जाता है ना। हाँ प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वह क्या है? हाँ पर शब्द में नहीं हो क्या? जल्दी बताइए इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है, कोलिया, कोलिया है, ठीक है, हाँ प्रत्यय नहीं है। घोघिया पठारी किसे कहते हैं? घोघिया पठारी किसे कहते हैं जल्दी बताइए? घोघिया पठारी, घोघिया पठारी डी, ठीक है। श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाला ब्राह्मण होता है, ठीक है। उसके बाद होता है बड़हर का अर्थ क्या है? बड़हर, बड़हर का अर्थ क्या होता है? सीजीपीएससी में पूछा गया है बड़हर का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए। बड़हर का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पर बड़हर का मतलब बड़ोदरा होता है, बड़ो सॉरी बड़ोदरा नहीं, बड़ोड़ा। बड़हर मतलब वो हवा ग्रहण करता है ना, बड़ोड़ा बहुत भंवर वाला आता है, वही होता है बड़ोड़ा, ठीक है। उसके बाद है लुरकी किसे कहते हैं? ये लुरकी क्या है भाई, जल्दी बताइए। लुरकी ये क्या होता है? पहनने का, पहनते हैं ना लुरकी। देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में लुरकी का मतलब होता है गहना, ठीक है, गहना गहना, ठीक है, गहना होता है लुरकी का मतलब, गहना होता है। ऑप्शन में देखिए गह ये पर्यायवाची शब्द है ना, आभूषण, यही आंसर आएगा, गहना आभूषण है ना, ये लुड़की होता है। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा? हम लिख रहे थे इसका क्या होगा? सीजीपीएससी 2021 में पूछा गया है, हम लिख रहे थे छत्तीसगढ़ी वाक्य हम क्या होगा? देख जो हम लिख रहे थे मतलब हम लिखत रहें, हम लिखत रहें, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली क्लासेस करना है तो सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, वीडियो को लाइक करते चले ना। पश्चिमी छत्तीसगढ़ किससे प्रभावित है? जो पश्चिमी छत्तीसगढ़ है वो बुंदेली और मराठी से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? बुंदेली, बुंदेली ना, बुंदेली और मराठी से प्रभावित है। निम्न में से छत्तीसगढ़ी भाषा में जानवरों को बांधने की रस्सी को कहा जाता है? जानवर को जो बांधते हैं ना उसको गिरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरमा, ठीक है, नोट कीजिएगा, गिरमा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा में। देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में भंडई, भंडई किसे कहते हैं? भंडई का मतलब होता है क्या होता है? जूता होता है, भंडई का मतलब होता है जूता, ठीक है, भंडई का मतलब क्या होता है? जूता। छत्तीसगढ़ी भाषा में पति द्वारा त्यागी गई नारी को क्या कहते हैं? पति द्वारा जो त्यागी जाती है ना उसको परितिक्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परितिक्या कहते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद है इस राज्य के किस कवि रचनाकार छत्तीसगढ़ी सुराज हैं? तो छत्तीसगढ़ी सुराज गिरिवर दास वैष्णव जी हैं, ठीक है। फूले फूले रिंगी चिंकी फर फरे लमडेरा, उपरोक्त तो पहली का अर्थ क्या होगा? देखिए फूले फूले रिंगी चिंगी, इसको नोट कीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये पटवारी के एग्जाम में आ चुका है, पटवारी के एग्जाम में। और साथ ही देखिए जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, वन रक्षक के एग्जाम हुआ था, और एक और क्या बोलते हैं उसको, एक एग्जाम हुआ था हाल ही में, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, सहायक सम परीक्षक नहीं है ना, सहायक सम परीक्षक नहीं आया था, ये अभी हाल ही में आया था ये। चलो इसका आंसर बताइए। फूले फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा, उपरोक्त तो पहली का अर्थ बताइए क्या होगा? ककड़ी, गलत,
केला भी गलत है। देखिए फूले फूले मतलब इतना सारा फूलता है ना, एक पेड़ होता है, ठीक है, एक पेड़ होता है, जैसे कि बहुत सारे ये पेड़ हो गया, ठीक है, ये बहुत सारा एक पेड़ हो गया है, तो उसमें क्या बोलता है, फूले फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडेरा, तो बहुत सारा देखिए फूल फूला रहता है, उसमें बहुत सारा ऐसा टाइप का फर फरा रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं, बरबटित होगा नहीं, मुनगा बहुत सारा होता है, बरबटी थोड़ा सा रहता है, एक पेड़ होता है ना बरबट्टी का नार होता है, जैसे बरबट्टी का ये जैसे थोड़ा थोड़ा रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फूले फूले बोल रहे थे, ककड़ी भी नहीं होगा ना, केला केला तो वो लंबा होता है, केला नहीं होगा, ठीक है, मुनगा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, मुनगा। देखिए 40 से 45 लोगों को आंसर आ चुका है, मुनगा आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। निम्नलिखित में मुहावरे का अर्थ बतलाइए, नाक लेसवाना, नाक लेसवाना का मतलब होता है, देखिए ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, नाक लेसवाना का अर्थ होता है अपमान होना, ठीक है, लज्जित होना, ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है, जो सुरही गाय है उसके सीताराम मिश्रा जी हैं, ठीक है, कौन है, सीताराम मिश्रा जी हैं। उसके बाद हिंदी नियुक्ति शब्द के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द भर्थी होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में गोट बात के लिए हिंदी अनुदी शब्द है, गोट बात मतलब विचार करना, विचार विमर्श करना, ठीक। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा के वाक्य संरचना में किस व्याकरण कोटि का प्रभाव नहीं होता, तो कोटि का जो प्रभाव होता है पुरुष स्त्रीलिंग में नहीं होता, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा का परिवार के है, तो भारूपी भाषा परिवार के है, ठीक है, नोट कीजिएगा। कहाँ बिलागे मूर्धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ी उपन्यासकार के लेखक कौन है, देखिए नोट कीजिएगा, ये सब लेखक से एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेखक उपन्यासकार मुहावरा पर्यायवाची शब्द है ना, ये इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब जनजाति के बारे में बात करें, तो जनजाति से कल की क्लास में होगी, ठीक है, आज ये तो ये सब ये छत्तीसगढ़ी भाषा बोली से हो गया है, ठीक है, और ये मुहावरा वगैरह से हो गया है, तो कल देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा से। टोटल आपको 50 MCQ देखेंगे, कितने देखेंगे, 50 MCQ टोटल आपका, देखिए 10 दिनों का क्रैश कोर्स के साथ आपका 10 से अगर 50 को गुणा करेंगे, 10 × 5 = 50, यानी कि कितना क्वेश्चन हो रहा है टोटल, अगर 50 50 क्वेश्चन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 तो होगा ना, 500 होगा, तो 500 क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लेते हो एग्जाम से पहले, आप याद कर लेते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कहाँ बिलागे मूर्धान, कहाँ बिलागे मूर्धान, ठीक, कहाँ बिलागे मूर्धान, ये छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक है केयर भूषण जी है, कौन है, केयर भूषण जी है, ठीक है। चंदनी गोंदा छत्तीसगढ़ी की एक सांस्कृतिक यात्रा नामक छत्तीसगढ़ी ग्रंथ के संपादक कौन है, चंदनी गोंदा होता है उसका डॉक्टर सुरेश देशमुख है, कौन है, डॉक्टर सुरेश देशमुख। छत्तीसगढ़ी भाषा का उत्कीर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो नरेंद्र वर्मा जी है, ठीक है, नरेंद्र वर्मा जी है, और ये जो हाल ही में अभी वो लेखक कौन है, चलिए इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए, छत्तीसगढ़ी भाषा उत्कीर्ष नामक पुस्तक के लेखक नरेंद्र वर्मा जी हैं, ठीक है। अब एक छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ हिंदी के लेखक कौन है, तो छत्तीसगढ़ी है डायलेक्ट ऑफ हिंदी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आप बताइए, देखिए जॉन अब्राहम ग्रीगर्स हैं, ठीक है। आज का टोटल 50 MCQ हो गया है, टोटल कितना हो गया, 50 MCQ, जो कि CG व्यापम PSC में अक्सर पूछे जाते हैं, CG व्यापम PSC में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जब भी ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं, ठीक है, टोटल 50 MCQ है, ये सेकंड क्लास है, ठीक है, सेकंड क्लास था, पहला क्लास डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके आप ज्वाइन